छोटे से शहर में एक छोटे से पर थोड़ा मोटे से एक बंगाली दादा रहते थे जिनका नाम था फटिक चंद। हम लोग बचपन से उनको फटिकदा बुलाते थे और उनके साथ मेरी थोड़ी ज्यादा जानती थी क्योंकि उनको भी फिल्मी गाने बहुत पसंद था। उनका एक ही सपना था किसी भी तरह से फिल्म लाइन में घुस जाए और एक आध गाना गाने। अचानक मैंने सुना जो वो अपने पूरे संपत्ति उम्पत्ति जमीन उमीन बेच के बॉम्बे की तरह रुखसत हो गए गायक बनने के लिए। खैर इतना आसान तो नहीं है, पर उन्होंने काफी साल स्ट्रगल करने के बाद फिल्म में गाना तो नहीं गा पाए पर फिल्म में पैसा लगाना शुरू जरूर कर दिया जिसे कि हम फाइनेंसर कहते हैं। तो इसी बीच मेरा बॉम्बे जाना का प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने फटिकदा को याद किया। मैं सोचा चलो फटिकदा से मिला जाए, हो सकता है एक गायक से मिला दे वो। तो मैंने तुरंत फटिकदा को फोन किया, हेलो फटिकदा, हाँ बोलो अर्जुन, तो क्या हाल है? बोले मैं मुंबई आ रहा हूँ तो मुझे कुछ गायकों से आप मिला सकेंगे? अरे बहुत अच्छा समय में आ रहे भाई, तुम बिल्कुल हम मिला देगा, तुम आ जाना 23 तारीख को, हम हमारे यहाँ पे सब गायक यही रहेगा। बोला ठीक है मैं 23 तारीख को। हाँ लेकिन सुनो, किसी से कुछ बोलना मत, सेल्फी उल्फी ऑटो फोटो कुछ नहीं, इन लोगों का बहुत दिमाग कभी कभार खराब रहता है ना भाई, तुमको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप बैठ के देखना है, कुछ नहीं बोलना है। बोला हाँ बटीदा बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, बैठ के देखना है मुझे, तो सिर्फ गायकों से गाना सुनना है। कहा हाँ उन लोग गाएगा और चिंता मत करो, उन लोग गाएगा। मैं 23 तारीख को बिल्कुल बहुत ही टाइमली जाके देखता हूँ, वहां पे पूरा सन्नाटा, कहीं कोई खाने का इंतजाम नहीं। मैं बोला फटीदा बोला चुपचाप बैठ के कोई बात नहीं करना है, अब आगे क्या होता है देखिए। हाँ तो दोस्तों मैं टाइमली फटीकदा के बताए हुए वेन्यू में पहुंच तो गया जहाँ पार्टी होना था। जाके देखता हूँ पूरा मंडप सजा हुआ है, सब कुछ सजा हुआ है, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, लेकिन खाना नहीं है कहीं भी। मैं चारों तरफ टेबल ओबल ढूंढ रहा था लेकिन खाना कहीं भी नहीं दिखा। खैर मुझे तो कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया गया था, मैं एक छोटे से जगह में जाकर बैठ गया। उतने में देखा किशोरदा आ गए, किशोरदा के सीधा फटीकदा के पास गया, निकल अरे बामड़ू खाना कहाँ है रे? ओए किशोरदा आप आ गए, आइए आइए स्वागत है, आप खाने के पहले एक गाना सुनाइए। किशोरदा बोला ओए बामड़ू तुम जानता नहीं है, हम बिना पैसा का गाना ही नहीं गाता। बोले नहीं 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 यहाँ तो गाना पड़ेगा फिर खाना मिलेगा। अब किशोरदा करते तो करते क्या, उन्हें अब तो गाना ही था, उन्होंने सीधा स्टेज में जाके माइक पकड़ा और क्या गाया सुनिए। मुझे जल्दी से लाके दो खाना, भूखे पेट यहाँ से नहीं जाना, मुझे जल्दी से लाके दो खाना, भूखे पेट यहाँ से नहीं जाना, मुझे जल्दी से लाके दो खाना, भूखे पेट यहाँ से नहीं जाना। भूख लगे लाओ मगले घर बोलाओ, किशोरदा का गाना खत्म ही होने का था कि भूपेंद्र जी आ गए। भूपेंद्र जी थोड़ा गंभीर स्वभाव के थे, उन्होंने आते ही सीधा टेबल के पास पहुंचे और एक प्लेट हाथ में ले लिया, फिर खाना ढूंढ रहे, खाना कहीं नहीं। अभी वहां से वो फटिकदा को इशारा करते हैं, फटिकदा वहां से इशारा करते हैं, भूपेंद्र साहब को समझ में आ जाता जो गाना गाने बोल रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ आ तो गए हैं, गाना तो पड़ेगा, वो सीधा माइक लेके शुरू हो जाते हैं। क्या गाते हैं सुनिए। हाथ में खाली खाली बर्तन है, हाथ में खाली खाली बर्तन है यार, मेज भी है खाली पड़ा, ऐसे भूखे हाल तुम्हें तो भर दिल से अब मैं क्या दुआ, जब खाने को यहाँ पर कुछ भी नहीं, दिल घर जाने को करता है, दिल करता है, दिल करता है। दोस्तों अभी भूपेंद्र जी हाथ में प्लेट लेके अपना गाना गा ही रहे थे कि वहां से सदा खुशी उदित नारायण जी आ जाते हैं। उदित नारायण जी इधर उधर देखते हैं, देख रहे हैं भूपेंद्र जी हाथ में प्लेट लेके गाना गा रहे हैं, वो फटिकदा की तरफ ध्यान भी नहीं देते, सीधा वेटर को इधर बुलाते हैं और अपना गाना शुरू कर देते हैं। सुनिए वेटर देख लो
खाली बर्तने हैं यहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, पर खाना है कहाँ। इतनी मेहमा बुला रखी है यहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, पर खाना है कहाँ। वेटर देख लो खाली बर्तने हैं यहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, पर खाना है कहाँ। उदित नारायण जी अपने मस्त मस्ती में गाते हुए एंजॉय कर रहे थे कि अचानक आवाज आता है जय माता दी। फटिक दा तुरंत देखते हैं, अरे आइए आइए नरेंद्र बाबू, आइए 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 नरेंद्र बाबू। नरेंद्र चंचल जी आए रहते हैं। नरेंद्र चंचल जी बोलते हैं, हम यहाँ भोजन करने आए थे। तो फटिक दा बोलते, अरे होगा भोजन होगा, लेकिन पहले भजन होगा फिर भोजन होगा। तो नरेंद्र चंचल जी को तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो फिर से फटिक दा अच्छे से समझाते हैं, यहाँ सबसे पहले गाना गाना पड़ेगा, उसके बाद हम खाने को देगा। अब नरेंद्र चंचल जी के पास दूसरा कोई चारा तो था नहीं, गुस्से में वो एकदम से माइक उठाते और शुरू हो जाते। सुनिए, लेकिन आपको गाना गाना है उसके बाद खाना देना है। अब कुमार सानू जी के पास तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव था नहीं गाना गाने के सिवा, वो भी माइक पकड़ के शुरू हो गए अपने गिफ्ट के बारे में जिक्र करना नहीं भूले। नहीं ये हो नहीं सकता, बिना खाना खाए घर जाए, लिफाफे में गिन कर पूरे 5,000 दे आए। जिस वसूल बिना हम घर कैसे जाए, जिस वसूल बिना हम घर कैसे जाए। नहीं ये हो नहीं सकता, बिना खाना खाए घर जाए, लिफाफे में गिन कर पूरे 5,000 दे आए। जिस वसूल बिना हम घर कैसे जाए। दोस्तों रात काफी हो चुकी थी, जो भी आ रहे थे भूखे प्यासे ही आ रहे थे, सबको भूख जम के लगी थी, सब यही सोच रहे थे यहाँ से खाना खाएंगे, खाना खा के घर जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। तभी सैलन सिंह जी आते, आके वो माजरा देख के समझ जाते कुछ गड़बड़ है। फटिकदा से जाके पूछते हैं, फटिकदा ये क्या तमाशा है, आप खाना नहीं दे रहे हो हमको गाना गाने बोल रहे हो। फटिकदा बोलते, गाना तो गाना पड़ेगा सुरेंद्र जी, बिना गाने का हम तो खाना नहीं देगा। अब उनके पास भी कोई उपाय तो था नहीं, सीधा माइक लेके वो कोसते हुए गाना शुरू कर दिए। सुनिए क्या गाते हैं। घर बुला के बन गए लगता नहीं सुर में
से। सब दूर खड़े होके देख रहे थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों को दावत में बुलाया जाए, उन्हें खाना ना दिया जाए, उन्हें गाने के लिए कहा जाए, ये बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या करें, इसको तो फोटिकदा ने हमारा सिस्टम ही बना दिया था। तो वो चुपचाप से जाते हैं स्टेज में, माइक लेके गाना शुरू कर देते हैं। क्या गाते हैं जरा सुनिए। तुमने मुझे भेजे दावत के पैगाम, पर यह नहीं किए कुछ भी बिठा के नहीं खिला सकता, हम टोमेटो को और सब्जी को बोल दिया है, आपके घर में जाके सब पूरा परिवार के लिए खाना भेज दिया है, आप लोग आराम से जाके घर में बैठ के घर के परिवार के साथ खाना खाइए, हम यहाँ आए सब गाना गाया हमारे लिए यही बहुत है, बोल के उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लिया। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को ये छोटा सा पैरोडी, छोटा सा आइडिया कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज करके जरूर बोलिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू।